एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज क्लासरूम मैनेजमेंट रे आम टोटल मुझे चारिटा क्वेश्चन बनई थी यूनिट टू रे। तो चारिटार दुईटा क्वेश्चन ऑलरेडी गोटे भिडियो डिस्कस करती। सो आज आम रेस्ट दुईटा क्वेश्चन डिस्कस करवा। फर्स्ट हूँ टाइम मैनेजमेंट इन क्लासरूम एंड स्ट्राटेजीज टू मैनेज बिहेवियर। सो फर्स्ट क्वेश्चन चलो डिस्कसन करवा, स्ट्राटेजीज टू मैनेज बिहेवियरल प्रॉब्लम। जे बिहेव जे क्लासरूम रे गोटे स्टूडेंटर तार बिहेवियर रे जो प्रॉब्लम्स अच्छे, तो तार बिहेवियर प्रॉब्लम्स को मैनेज करवाई कौ स्ट्राटेजी आम अपणाइबा। तार तीन टा स्ट्राटेजी अच्छी, गोटे प्रिवेंटिव, सपोर्टिव एंड करेक्टिव। तो गोटे टीचर प्रिवेंटिव स्ट्राटेजी को अपणाइबा दरकार, पुणी कहला सपोर्टिव स्ट्राटेजी को से अपणाइबा दरकार, एवं करेक्टिव अप्रोचेस को मध्य से टेकअप करवा दरकार। सो फर्स्ट कहला जे प्रिवेंटिव अप्रोचेस कौन, बट प्रिवेंटिव स्ट्राटेजीज कौन ना, प्रिवेंटिव स्ट्राटेजीज हूँ टू प्रिभेन्ट माइनर ऑफ बिहेवियरल इश्यू इन द क्लास। गोटे पॉइंट सरला जे टू प्रिभेन्ट माइनर ऑफ बिहेवियरल इश्यू इन द क्लास, गोटे क्लास गोटे स्टूडेंटर कौन कौन माइनर बिहेवियरल इश्यू अच्छी प्रॉब्लम अच्छी, ताकू प्रिभेन्ट करने जो स्ट्राटेजीज अपना जाए, जो स्ट्राटेजीज को टेकअप कराए कहवा प्रिभेन्टिव स्ट्राटेजीज। कौन कौन रही कौन कौन सब से जो स्ट्राटेजीज अच्छे प्रिवेंटिव स्ट्राटेजीज गोटे टीचर ताको अपणवा दरकार ना। फास्ट कहला टीचर ऑर्गेनाइजेशन हाँ दरकार, टीचर सब जिनस को क्लासरूम प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करवा दरकार। कौन ना तार ठीक भाव लेसन प्लान करवा दरकार, ठीक भाव सब एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करवा दरकार। सेकेंड कहला जे एनगेजिंग एक्टिविटीज, मीनस गोटे स्टूडेंट को सब बेले सब कार्य एनगेज करवा दरकार, जहाद्वारा कि सी बोर न हो। ओके, तीन लोग कहला जे एस्टाब्लीशिंग क्लासरूम रूल्स, क्लासरूम रे किसी रूल्स एस्टाब्लीश करा दरकार, जहाद्वारा कि तार रूल्स किसी गाइडेंस रहा दरकार, किसी गाइडलाइन रहा दरकार। ओके, चार कहले जे प्रैक्टिस म्यूचुअल रेस्पेक्ट, मीन्स गोटे गोटे टीचर और स्टूडेंट मान मध्य गोटे म्यूचुअल रेस्पेक्ट गोटे रहा दरकार। फिफ्थ कहला जे बिल्डिंग रिलेसनशिप, मीन्स गोटे टीचर और स्टूडेंट मानक किंबा क्लासरूम स्टूडेंट स्टूडेंट मानक केमी गोटे कंड्यूसिव एवं किंबा गोटे एप्रोप्रिएट गोटे रिलेशनशिप बिल्ड हो तापर गोटे टीचर कनसेंट्रेट करा दरकार। सिक्स्थ रे कहला मोटिवेशन, गोटे टीचर को गोटे टीचर गोटे स्टूडेंट को सब मोटिवेट करा दरकार। नेक्स्ट कहला अल्टरिंग द क्लासरूम एनवायरमेंट, क्लासरूम जो एनवायरमेंट अच्छी ताकू अल्टर करा दरकार, मीन ताकू सब चेंज करवा दरकार, जहाद्वारा कि तार बेनिफिट्स अच्छी। एति को गला प्रिवेंटिव स्ट्राटेजी रेट। सेकेंड रहा जे सपोर्टिव स्ट्राटेजीज विषय में पढ़ा, सपोर्टिव मीन जानपरथे जे सपोर्टिव टेक्निक्स प्रिभेन्ट माइनर बिहेवियर फ्रॉम द कटिंग, मीन्स गोटे टीचर गोटे स्टूडेंट को सपोर्ट करवा दरकार, गोटे टीचर सपोर्टिव हवा दरकार स्टूडेंट प्रति। ओके, कौन कौन तार सब टेक्निक रही देखा, फर्स्ट कहला विथ इटनेस, मीन्स विथ इटनेस मीन्स कौन ना इज द आइडिया द टीचर आर अवेयर ऑफ देयर स्टूडेंट्स। टीचर या द्वारा कौन हम ना गोटे टीचर तार स्टूडेंट प्रति सब जिनस जापर एंड व्हाट दे आर डूइंग एट ऑल टाइम। सब समय गोटे टीचर गोटे स्टूडेंट गोटे सब समय गोटे स्टूडेंट कौन करुच्ची से टीचर मैं जापर क्या द्वारा ना विथ इटनेस द्वारा। सो दिस आइडिया एम्फासाइजेस द टीचर सुड नो देयर क्लासेस वेल। ओके, नेक्स्ट कहला जे स्काफोल्डिंग, स्काफोल्डिंग कौन ना स्काफोल्डिंग कैन बी डन टू मैक्सिमाइज द स्टूडेंट लर्निंग, तो स्टूडेंट लर्निंग को अधिक बढ़ायापी मैं मैक्सीमाइज करवाई एनहांस करवाई स्काफोल्डिंग टेक्निक को जो टेकअप करवाणवा दरकार। थर्ड कहला जे लो प्रोफाइल इंटरभेन्शन टेक्निक, मीन्स लो प्रोफाइल इंटरभेन्शन टेक्निक टॉप द अनडिजायर्ड बिहेवियर विदाउट डिसरप्टिंग द रेस्ट ऑफ द क्लास, मीन्स गोटे स्टूडेंट मध्य तार जो जो अनडिजायर्ड बिहेवियर जो जो सब मिसबिहेवियर अच्छे दूर दूर कर केमिका गोटे डिजायर्ड बा गोटे ग्रेट इगरनेस सृष्टि कर इच्छा सृष्टि करवा से सब टेक्निक को कहें लो प्रोफाइल इंटरभेन्शन। फोर्थ कहला टेक्टिव इग्नोरिंग, कौन ना इट इज ए स्ट्राटेजी व्हिच इग्नोर्स अनडिजायरेबल बिहेवियर, टेक्टिव इग्नोरिंग जहाँ लो प्रोफाइल इंटरवेंशन टेक्निक। लास्ट कहला जे प्रेज, प्रेज मीन्स गोटे स्टूडेंट गोटे टीचर स्टूडेंट को सब प्रेज करवा दरकार, प्रशंसा करवा दरकार। ओके, सिक्स कहला देखो सिलेक्टिव अटेंशन, गोटे टीचर स्टूडेंट को कौ कौ प्रति अटेंशन देवा दरकार सेटा सिलेक्ट करवा दरकार से निजे।
सेवेन्थ कहला मोबाइल मॉनिटरिंग, मोबाइल को मॉनिटर करिया दरकार, जहाद्वारा कौन हम ना क्लासरूम रे जते बेले मोबाइल को मॉनिटर करा जीवो सते बेले गोटे स्टूडेंट जानी परिबो कौन जाने को पाइबो जे से मध्य दे आर बीइंग वॉच्ड एट ऑल टाइम एंड दे आर देयर टू हेल्प देम व्हेन नीडेड। जे गोटे स्टूडेंट जानी परिबो जे से मध्य ताकु समस्त देखुचंती तो तार इंटरेस्ट गोटे बढ़ो। लास्ट कहला टीचिंग पोजिशन मध्य रहा दरकार। ओके एवं लास्ट कहला कौन जे करेक्टिव मैनेजमेंट। करेक्टिव मैनेजमेंट कौन जानपरतु जे टीचर गोटे स्टूडेंट रो तार जो जो मिसबिहेवियर जो जो प्रॉब्लम हो ताकु करेक्शन करिवा दरकार ताकु कहिबा करेक्टिव बिहेवियरल मैनेजमेंट। कंप्लीट एबे बर्तन पढ़िबा सेकंड क्वेश्चन जे टाइम मैनेजमेंट इन क्लासरूम। ये हूँ सेकंड क्वेश्चन टाइम मैनेजमेंट इन द क्लासरूम रो ये सेकंड क्वेश्चन बर्तन देखिबा। जो टाइम मैनेजमेंट आम विषय पढ़ा जो टाइम मैनेजमेंट इज ए वेरी इंपोर्टेंट स्किल बहुत जानचे। टीचर कैन यूज दिस इन द क्लासरूम टू ऑप्टिमाइज लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट। ए टाइम मैनेजमेंट को गोटे टीचर क्लासरूम रे कौन करिबा ना ऑप्टिमाइज करिबो कौन पाई ना स्टूडेंट मानकर जो लर्निंग सुजोग को अपॉर्चुनिटी को टिके बढ़ाया पाई। तो टाइम मैनेजमेंट इज इंपोर्टेंट आर्ट बिकॉज इट हेल्प्स अस टू प्रायोरिटाइज आवर वर्क। टाइम मैनेजमेंट द्वारा कौन हुए ना आम कार्य को ये कौन कौन साहय कै ना प्रायोरिटाइज कराए मीनस बेस एम्फासाइज दिए गुरुत्वपूर्ण दिए। सो टाइम मैनेजमेंट हेल्प्स अस गेट मोर थिंग्स डन इन लेस टाइम। तेणु जदि आम टाइम मैनेजमेंट जदि ठीक थी तेज आम कम समय बहुत जिन बहुत किसी कार्य आम कर। सो बर्तमान पढ़ा टाइम मैनेजमेंट केत प्रकार ना देयर आर अकॉर्डिंग टू कंचक एंड इगर टाइम मैनेजमेंट कौन ना द गोल ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट इज नॉट ओनली द मेंटेन ऑर्डर बट ऑल्सो टू ऑप्टिमाइज स्टूडेंट लर्निंग। जे क्लासरूम मैनेजमेंट रे तारो केवल तारो लक्ष्य हवा उचित नुहे कि केवल होची जे क्लासरूम रे सब जिनस मैनेज हेक रहइबो ना आउ कोन हवा दरकार जे स्टूडेंट लर्निंग को मध्य केमितिका ऑप्टिमाइज केमितिका बढ़ेबा ता मध्य रे आमे ता ऊपर मध्य आमे गुरुत्वपूर्ण दबा दरकार। वर्तमान ये होची केते प्रकार टाइम मैनेजमेंट ना चारि प्रकार रो एलोकेटेड टाइम इंस्ट्रक्शनल टाइम एनगेज टाइम एंड एकेडमिक लर्निंग टाइम। तो फास्ट पढ़ा एलोकेटेड टाइम कौन बहुत सहज एलोकेटेड मीन्स कौन ना डिवाइडेड बा डिविजन मीन्स एलोकेटेड टाइम इज द टाइम टोटल टाइम एलोकेटेड फॉर टीचिंग लर्निंग एंड रूटीन क्लासरूम प्रोसीड्योर लाइक अटेंडेंस एंड अनाउंसमेंट। मीन्स जे गोटे क्लासरूम रे सब समय को डिवाइडेड करिया दरकार एलोकेटेड करिया दरकार भाग भाग करिया दरकार जे मु ट्रिगोनोमेट्री जो अच्छे ट्रिगोनोमेट्री हो बा सोशल साइंस हो बा इंग्लिश हो तो ट्रिगोनोमेट्री टाइम जे 9टा 10 रु 10टा टाइम पर्यंत पढ़ा हम कौन जे ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाला 10टा रु 10टा 50 कौन पढ़ा हम ना सोशल साइंस पढ़ टाइम को आम डिवाइड करवा से एलोकेटेड टाइम क्लियर। नेक्स्ट पढ़ा इंस्ट्रक्शनल टाइम मीनस कौन जे गोटे सब जिनस सब समय को आम इनस्ट्रक्ट करवा गोटे निर्देश दवा सब क्षेत्र में। सो इंस्ट्रक्शनल टाइम इज व्हाट रिमेन्स आफ्टर रुटीन क्लासरूम प्रोसीडर आर कम्प्लीटेड। जे क्लासरूम रुटीन रुटीन जो प्रोसीडरटा कम्प्लीट है जो टाइम बड़का रुहे कहे इंस्ट्रक्शनल टाइम। ओके फॉर एग्जांपल देखिए गोटे एटारे कौन जितेला जे टीचर मे स्पेंड टू और थ्री मिनिट टेकिंग अटेंडेंस जो जो टाइम रे से अटेंडेंस निए जो दुई कि तीन मिनिट जो फास्ट जो क्लास रे एंटर कलापर तो सही टाइम कह इंस्ट्रक्शनल टाइम। थर्ड कहला कौन जे एनगेज टाइम कौन जे स्टूडेंट आर पार्टिसिपेटिंग एक्टिवली इन लर्निंग एक्टिविटीज दे आस्क एंड रेस्पोंड टू क्वेश्चंस कंप्लीट वर्क्स ये सब तो एनगेज टाइम मीन गोटे स्टूडेंट को सब समय रे क्लासरूम रे एनगेज करवा से जेकोसी एक्टिविटी हो कार्यकलाप होकोसी जगह जेकोसी ओकेजन जेकोसी एक्टिविटी आम पार्टिसिपेट करवा तो यह सब जिनस एनगेज टाइम। चार कहला एकेडमिक लर्निंग टाइम कौन ना जिते बड़े गोटे स्टूडेंट को आम एकाडेमिकाली मीनस एजुकेशनाली आम गोटे जिनस एनगेज कर रखा कह एकाडेमिक लर्निंग टाइम। तो ये पुणी दुई प्रकार गोटे गला पार्टिसिपेट एक्टिवली एवं आर सक्सेसफुल इन लर्निंग एक्टिविटी। तो बर्तमान ये जो डायग्राम दीजिए बहुत इंपोर्टेंट ये डिस्कस करवा फास्ट देखु दुईटा सारा सामान ये जहाँ ये भी ता तो आपण मैंने सर्कल आकार करें जदि सर्कल न हो तेज बक्स आकार भी करेंगे। तो सर्कल कौन कहे ना फास्ट हूँ जे एकेडमिक लर्निंग टाइम दरकार तापर ताको आम इंस्ट्रक्शनल देपर तापर ताको आम क्लास एलोकेटमिक डिवाइडेड करें
ଏହେଲେ କେଉଁଠି ସ୍କୁଲକୁ ଆଗେ ଟାଇମ୍କୁ ଡିଭାଇଡ଼୍ କଲା ପରେ ତାପରେ ସ୍କୁଲକୁ ଡିଭାଇଡ଼୍ କରିବା, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ପ୍ରୋସେସ୍, ଓକେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଷ୍ଟ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଯେ ସେଇଥିରେ ଯେ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ତା'ର ବେନିଫିଟ୍ସ କ'ଣ ରହିଛି ବା ତା'ର ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ କ'ଣ ରହିଛି ନା, ଫାର୍ଷ୍ଟ କହିଲା ଟାଇମ୍ ଟୁ ରିଲାକ୍ସ, ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ପାଇଁ ବା ସ୍ଲିପ୍ ୱେଲ୍ ବା ଇଟ୍ ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ରେଗୁଲାରଲି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ଟାଇମ୍ ଟୁ ଡୁ ହ୍ୱାଟ୍ ୱି ୟୁଜ୍ ଏନ୍ଜୟ ଡୁଇଂ, ଆଣ୍ଡ ଯାହା କିଛି ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ ପାଇପାରିବା। କ୍ୟାନ୍ ବି ହାପି ହେଲ୍ଦିଆର ଆଣ୍ଡ ଫାଇଣ୍ଡ ମୋର୍ ଫନ୍ ଟୁ ବି ଆରାଉଣ୍ଡ। ଟାଇମ୍ ଯଦି ଆମେ ଯେ ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟାଇମ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଇବା ତା'ଦ୍ୱାରା ଆମେ କିଛି ଆମେ ହାପି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା, କିଛି ଫନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିପାରିବା। ଇଟ୍ ଡେଭଲପ୍ସ ଇନ୍ ଦେମ୍ ସ୍କିଲ୍ ଅଫ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଦାୟିତ୍ୱ ଗୋଟେ ଆଣିବ। ନେକ୍ସଟ କହିଲା ଯେ ଟାଇମ୍ ଇଜ୍ ମନି, ଆମେ ଜାଣିଛେ, ସୋ ଟାଇମ୍ ୱାଇଜ୍ଲି ହେଲ୍ପସ୍ ଇନ୍ ମେକିଂ ମନି ଇନ୍ ଭେରିୟସ୍ ୱେ, ଓକେ। ନେକ୍ସଟ କହିଲା ଯେ ଟୁ ଗେନ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆମ ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ କହିଲା ବୋଥ୍ ଟିଚର୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, କେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ କରିପାରିବେ। ସୋ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।